नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भेंदर। 14 फरवरी को करीब रात 9 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों मीरा रोड के महाजनवाड़ी स्थित स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल का उद्घाटन हुआ। हमारे मीरा भेंदर शहरवासियों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा मिली है कि हमारे शहरवासियों को आरोग्य सुविधा अब मुफ्त में मिलेगी। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलाज, ऑपरेशन, दवाइयाँ, कंसल्टिंग फीस, सभी चीज़ें यहाँ पर मुफ्त मिलेगी। ये अस्पताल शुरू होने से मीरा भेंदर शहरवासियों में जहाँ एक तरफ खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल बनने से स्थानिक नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि 14 तारीख को जब रात 9 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल का उद्घाटन किया, ठीक उससे 4 घंटे के बाद में इसी जगह पर कल्याण से ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल पर आने वाले सुनील गुप्ता नामक एक मोटरसाइकिल सवार के हाथों एक एक्सीडेंट हुआ इसी जेब्रा क्रॉसिंग पे, जिसमें अरविंद सिंह नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। काशीमीरा पुलिस थाने में उस मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ में 304 की धारा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये कहा जा सकता है कि अस्पताल शुरू होने के बाद से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, जहां पर हर वक्त ट्रैफिक रहता है और इसी ट्रैफिक के कारण यहां पर कोई सिग्नल नहीं है, अंडर पास नहीं है, स्काई वॉक नहीं है या सबवे ब्रिज नहीं है, जिसके चलते लोगों को गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ता है, रोकना पड़ता है और तब लोगों को रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई सारी तस्वीरें हमारे कैमरे पे भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग कैसे जान हथेली पे रखकर रास्ता क्रॉस करते हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है यहाँ पर एक अंडरपास या स्काई वॉक बनाने की, जिसके चलते लोगों का ये सफ़र ठीक हो सके, जोखिम भरा सफ़र ना रहे। ये रास्ता जो क्रॉसिंग करते हैं लोग जान हथेली पे रखकर, इसके चलते हमने स्थानीय समाज सेवक जिन्होंने इस संदर्भ में आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनसे बात की। आइए हम आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। इस अस्पताल खुलने के बाद से लेकर लोगों में जो चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो जाने जा रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है और इसे इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, हम जानते हैं सोशल वर्कर नवीन सिंह से। अस्पताल शुरू होने के बाद से कई सारे यहाँ पर घटनाएं घटी है, दुर्घटनाएं हुए, लोगों की जान गई है। इसी मुद्दे को देखते हुए मीरा रोड के सामाजिक कार्यकर्ता नवीन सिंह ने मनपा प्रशासन, हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मांग की है। क्या उनकी मांग है, आइए हम जानते हैं उनसे। नवीन सिंह जी क्या कहेंगे, अस्पताल शुरू हो चुका है, लोगों को सुविधाएँ मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब दुर्घटनाएँ भी बढ़ते जा रही है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, 3 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ओपनिंग किया गया हॉस्पिटल का, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैं सरनाईक साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस एरिया में इस तरह की फैसिलिटी का हॉस्पिटल नहीं था और उन्होंने ध्यान देकर यह हॉस्पिटल को ओपनिंग करवाया, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल खुला, रोगी को आना जाना कार्यवाही शुरू हो गया है। ऐसे भी जब हॉस्पिटल नहीं था तो एक क्रॉसिंग हाईवे के राइट साइड और हाईवे के लेफ्ट साइड की जनसंख्या इतनी है कि क्रॉसिंग होने में आगे 100 मीटर में एक बस स्टॉप बना दिया है जो गुजरात हाईवे जाता है। पब्लिक क्रॉस होने में आए दिन एक्सीडेंट होता है। मेरे को पता चला है कि ये जो पोंडरंगवाड़ी है वो सब्वे का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है, पर आज तक ये वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मनपा प्रशासन और दोनों लोक प्रतिनिधि, हमारे गीता जैन हैं, प्रताप सरनाईक साहब हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वर्क ऑर्डर को संज्ञान में लेकर काम चालू करें जी। अब तक तो बहुत सारी ढिलाई हमको देखने को मिली, क्या प्रशासनिक अधिकारी ने वर्क ऑर्डर निकाल चुका है लेकिन ठेकेदार है कि जो काम को अब तक शुरू नहीं किया है। हमें जो पता चल रहा है कि 120 किलोमीटर का ये जो हाईवे है हमारे महाराष्ट्र बॉर्डर तक, दहिसर शेख नाके से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर तक, वहाँ तक का ये सीसी रोड का काम होना है और उसी काम के दौरान यहाँ पर ये अंडरपास बनने हैं, सबवे बनने हैं। तो अब तक जो है कि शुरुआत नहीं हुई है, जो लापरवाही बरती जा रही है उसे अगर जल्द से जल्द शुरू नहीं किया जाता है तो आपके तरफ से आप क्या कदम उठाएंगे। देखिए, ये मेरे को मालूम है कि ये वर्क ऑर्डर इशू हो गया है,
चाहे नेशनल अथॉरिटी जिसको जो कंपनी का दे, वो कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन सर्वप्रथम हम दोनों प्रतिनिधि से रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र व्यवहार होगा, पत्र व्यवहार भी करेंगे कि जल्द से जल्द यह हॉस्पिटल ओपनिंग होने के बाद हमारे मरीज को, हमारे पब्लिक को आने जाने के लिए अगर वर्क ऑर्डर स्टार्ट हो गया है तो काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर नहीं काम स्टार्ट हुआ कुछ दिनों में तो हम सारे इधर का एरिया के पब्लिक लेके, चाहे जो भी संबंधित टेंडर का या प्रशासन का ऑफिस हो, वहाँ पर मैं धरना प्रदर्शित करूँगा। यहाँ तक कि अगर उपवास करना हो तो मैं उपवास कर सकता हूँ ये पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक को जान नहीं जाए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, आप अगर देख सकते हैं कि 30 मिनट यहाँ पर रुकिए कि किस तरह से पब्लिक अपना जान में हाथ लेके क्रॉस करता है हाईवे। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, गाड़ी से, डंपर से, बाइक से, आए दिन यहाँ पर मौत की घटना हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है सामाजिक कार्यकर्ता नवीन सिंह जी, जिन्होंने मांग की है हमारे मीरा भाईंदर शहर के दोनों लोक प्रतिनिधि गीता जैन, प्रताप सरनाईक, हमारे मनपा के आयुक्त संजय काटकर, PWD विभाग के संबंधित अधिकारी और खास तौर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनके मातहत यहाँ पर ये अंडरपास बनना है, उन सभी से इन्होंने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द ये अंडरपास का काम शुरू किया जाए ताकि यहाँ पर लोग जो अपनी जान हथेली पे लेकर रास्ता क्रॉस करते हैं, इधर से उधर होते हैं, उन्हें आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी जान जोखिम में ना जाए, उनकी जान जाने से बचे, इसके चलते ये काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। अन्यथा वो आमरण अनशन पे भी बैठने का मन बना चुके हैं। जाते जाते मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक नामक जो अस्पताल, जो हम मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, उस अस्पताल के शुरू होने के बाद से यहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है, रास्ता क्रॉसिंग ज़्यादा होने लगा है, रास्ते के दोनों बाजू में इधर से भी और उधर से भी निवासी एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है रास्ता क्रॉस करने के लिए, और बहुत यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। यह काशीमीरा पुलिस स्टेशन का रिपोर्ट है कि हाईवे पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है और ख़ासतौर से इसी पांडुरंग वाले इलाके में। ऐसे में मनपा प्रशासन को ज़रूरत है, ऐसे में हमारे स्थानीय लोक प्रतिनिधि की भी ज़रूरत है कि वो भी संबंधित विभाग से जब पत्र व्यवहार करके उन पर दबाव बनाकर यहाँ पर जल्द से जल्द अंडरपास जो पास हो चुका है उसे शुरू करें, उसका काम शुरू करें ताकि लोगों की जान जाने से बचे। देखना है कि हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी जल्द इसका काम शुरू होता है ताकि हमारे शहर के लोगों की जान जाने से बच सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आर्य पुरुषी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।